हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ क्या सोनेट का HTE वेरिएंट। ये सबसे बेसिक वेरिएंट है और ये सोनेट जो है तीन इंजन ऑप्शंस में आती है, एक 1 लीटर पेट्रोल IMT और एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और तीसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत। ये रहा किया का फ्रंट प्रोफाइल, किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल। ये वेरियंट बिना फॉग लैम्प का आता है और इसमें रिमोट कीज़ भी नहीं मिलेंगी, पर दोनों भी आप बाद में ले सकते हैं। करते हैं अब इसके साइड प्रोफाइल की बात। ये रहा इसका साइड प्रोफाइल। टर्न इंडिकेटर जो आपको साइड क्लैडिंग पे दिखेंगे वो RVM पे नहीं है। और हाँ, इसका टायर साइज जो है 15 इंच है, स्टील व्हील है विथ व्हील कैप, ये देखिए। और टर्न इंडिकेटर्स ORVM पे नहीं है। और ये रहा इसके हेलोजन हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इस वेरियंट में नहीं मिलेंगे आपको। और नीचे आपको दिया है क्रैश सेंसर। और एक बता दूं आपको, इसका न्यूली अपडेटेड किया का बैजिंग, पुराना वाला अलग था। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका इंटीरियर ड्राइवर साइड से। और इसका जो डोर ओपनिंग है ड्राइवर साइड का, वो काफ़ी वाइड है, देखिए आप, काफ़ी वाइड है। और हाँ, इस वेरिएंट में दोस्तों आपको सिर्फ सामने ही दो पावर विंडो मिलेंगे, पीछे के दोनों पावर विंडो नहीं है, मैनुअली है। और हाँ, इस वेरिएंट में आपको ORVM भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल करने को मिलेंगे, जो कि अच्छी बात है। और ये रहा इसका ओडोमीटर जो फुल्ली डिजिटल है, कौन सा डोर ओपन है अभी वो दिखा रहा है। और उसके ओडोमीटर के जो कंट्रोल्स है वो इस स्टीयरिंग व्हील पे है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये है इसके एसी वेंट्स, अलग डिज़ाइन। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। लेदर सीट्स कौन सा भी नहीं है इसमें, फैब्रिक सीट्स है। और हाँ, ये सीट हाइट एडजस्टेबल भी नहीं है इस वेरिएंट में, सिर्फ आगे पीछे और रिक्लाइन। और इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, पर उसके लिए जगह दी है, आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और हाँ, इस वेरिएंट से आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा देखने को। अब चलिए देखते हैं रियर का स्पेस और रियर सीट्स। इसका रियर का स्पेस बहुत ही कंफर्टेबल है दोस्तों, तीन बंदे मिडल साइज़ के आप इजीली ड्राइवर कर सकते हैं इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और किया का जो है खासियत, वो बेसिक वेरिएंट से ही रियर एसी वेंट देना चालू करती है और पावर आउटलेट भी है पीछे, जो कि अच्छी बात है। और इसका जो रियर फोल्डिंग है वो बेंच फोल्डिंग है रियर सीट का, 60-40 नहीं है, कंप्लीट 100% बेंच फोल्डिंग है। और इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे भी नहीं आता है पीछे, इसलिए बूट दिखता है। और यह रियर रूफ लैम्प। अब चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल पे। यह रहा इसका बैक प्रोफाइल, काफ़ी शानदार है लुक पीछे से भी, किया का बैजिंग। अब अपन ओपन करते हैं इसका बूट, काफ़ी वाइड ओपनिंग है। और हाँ, इसका बूट इसके सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस है, जो कि 392 लीटर का है। और किया कंपनी जो है बैक साइड से अपने वेरिएंट का नाम भी नहीं लिखती है, ये देखिए। ये नंबर प्लेट के लाइट्स दिखेंगे आपको ऊपर, काफ़ी ऊपर तक ओपन होता है डोर। अब बूट करते हैं बंद। ये रहा सिर्फ सोनेट का बैजिंग, वेरिएंट का नाम नहीं लिखते हैं किया। और फ्यूल लिड ओपनर वगैरह। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स जो है काफ़ी कम स्पेस है इसमें, देखिए आप, जितना यहाँ से दिख रहा है वही उतना ही स्पेस है, अंदर कुछ भी नहीं स्पेस, ठीक है। और अभी आपको मैं बता दूं इसके ऊपर के, यानी HTK वेरिएंट में जो फीचर्स आते हैं वो सिर्फ 10 या 11 फीचर है। मैं आपको बताता हूँ, जो है व्हील साइज 16 इंच, और चारों पावर विंडो मिलेंगे और मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, कीलेस एंट्री मिलेगा विथ रिमोट कीज़, और सेमी लेदर सीट्स मिलेंगे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगा, फॉलो मी हेडलैम्प जैसा फीचर ऐड हो जाएगा, और इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा कंप्लीट डबल डिन का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ विथ 4 स्पीकर्स। बस इतने 10-11 फीचर इसमें ऐड है। बस इन 10-11 फीचर्स के लिए आपको 1 लाख से ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल से इसके लिए HT वेरिएंट ही सबसे बेस्ट है। यहाँ पे करता हूँ मैं वीडियो ख़त्म, और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।